हाँ लीजिए प्यारे प्यारे भाइयों, आए हुए सज्जनों एवं माताओं और बहनें, आप लोग की सेवा में सबसे पहले हमारे विनय कुमार डांसर की पार्टी का तमाशे का नाम सुनिए। आज की रात आप लोगों को तमाशा क्या दिखाया जाएगा, हंसी मजाक नाच गाना मारपीट लड़ाई से भरपूर तमाशा आप लोगों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बदनसीब दुल्हन, बदनसीब दुल्हन, बहु मांगे इंसाफ उर्फ दहेज का कलंक। शांति का सहयोग देते हुए हम आप लोगों की सेवा में अब जो तमाशा पेश करने जा रहे हैं, ये कहाँ की कहानी है। जिला सहारनपुर, ग्राम दौलतपुर के सेठ जी का ये हवेली है। हमारे सेठ जी पधारने वाले हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज सेठ के यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने बाबू साहब के यहाँ ड्यूटी करेंगे। तो लीजिए आप लोगों की सेवा में हमारे दौलतपुर के बाबू साहब पधार रहे हैं। आप लोगों को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपने आप परिचय बतलाने से पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हुआ, फूला नहीं समा रहा हूं। मैं अपनी आम जनता से आभारी हूं। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी पैदा होंगे वो भी आपसे आभारी रहेंगे। ए रहा बाबू मदन सिंह का ऐलान। ये जो सहारनपुर है, ग्राम दौलतपुर है, दौलतपुर का जमींदार मैं, मेरा सुभनाम बाबू मदन सिंह खुराना है। मदन सिंह के खिलाफ अगर कोई साला आवाज उठाता है, मदन सिंह उसे जीने नहीं देता। मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, कम हियर। जय शंकर। ये बतला, जब भी मैं हवेली की तरफ आता हूँ तो हरामखोर पीछे वाले गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। वजह जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों? बाबू साहब, कहो। सामने से आप आते हैं तो आपकी दुश्मनी चारों तरफ फैल चुकी है। ये तो यथार्थ है। अगर कोई दुश्मन पीछे वाले गेट से वार कर देगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, हम तुम पे इसीलिए भरोसा ही नहीं, भरपूर विश्वास रखता हूँ। हाँ बाबू साहब। के मोतीलाल, हाँ बाबू साहब, जो भी काम करेगा बाबू मदन सिंह के हक में करेगा। हक में करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मदन सिंह किसी को बख्शता नहीं है। नहीं बख्शता, किसी की गलतियां माफ नहीं करता है। नहीं करता। हमारे यहाँ गलती की एक ही सजा है। क्या? सजाए मौत। मौत, जानते हो? हाँ बाबू साहब। मैं इसी ग्राम दौलतपुर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते समय एक लड़की से मेरा दीदार हो गया था। ओह, यानी आपका प्रेम हो गया। जी हाँ, जिसका नाम सरोजा है मोतीलाल। सरोजा, वो भी दौलतपुर के कॉलेज में पढ़ती थी। हमने तो पढ़ाई छोड़ दिया। अच्छा, पता नहीं वो पढ़ाई कर रही है या उसने पढ़ाई छोड़ दी। जब से मैंने सरोजा को देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ सा होने लगा है। दिनों रात हाँ मेरे निगाहों पर उसी की सूरत छाई रहती है मोतीलाल। अच्छा, और हम कसम खाया हूँ कि एक दिन सरोजा को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ऐसा नहीं किया तो हमारी माँ का दूध हराम है। आज मैं चल रहा हूँ अच्छा बाग की तरफ। सबसे पहले देखूंगा खेतों में मजदूर सारे काम कर रहे हैं अच्छा या मनमानी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब देखो साले मेड़ पे बैठे गांजा पीते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई सारा पत्ता खेल रहा है। ये गरीब लोग होते इसीलिए हैं। सुबह से शाम तक जब तक मैं पान जूता नहीं मारता हूँ तो?
मेरे दिल को चैन नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं जा रहा हूँ बगीचे की तरफ। अच्छा, हवेली में देख रेख करोगे तुम? ठीक। और हो सके तो गौओं को चारा पानी भी डाल देना, क्योंकि आज काम वाला साला नहीं आया। मैं लौटूंगा तो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए जरूर ले जाऊंगा। और हाँ, हमारे खिलाफ हमारे न रहने पर कोई आवाज उठाए तो निश्चिंत होकर के बैठा लेना उसे। वाह। आने के बाद तो मैं उसकी सजा उसके किए का दूंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाबू साहब। और सुनो, मैं कॉलेज की तरफ भेजाऊंगा। अच्छा, अगर वो पढ़ रही होगी हाँ तो शायद मुलाकात भी हो जाए सरोजा से। हम तो, क्योंकि सरोजा से मैं बेहद प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन यथार्थ तो ये है हाँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। एक तरफा प्यार है, देखता हूँ कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। बाबू साहब कहो, हम कल यार चला, हम प्यारे वारे के ठेका ले थे। हम जो भी खेल खेलता हूँ, लेकिन हमें सुनाए कर ठेका ले पाई। पहले ठेका जाए थे, ठेका ले थे, तब प्यार के ठेका बढ़िया हो। यानी कि तुम प्यार के ठेकेदार हो जी मोदीलाल। हाँ बाबू साहब, जानते हो सरोजा से प्यार करने के बाद हाँ। मैं सरोजा को इतना खुश देखना चाहता था। हाँ। एक दिन कॉलेज से मैं आया और पहुंचा अपने पिताजी के पास। मैंने कहा, पिताजी हमको 5,000 रुपए की आवश्यकता है। 5,000? हमारे पिताजी जी ने जानते हो उसके एवज में क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा क्या कि अरे नालायक पुत, दौलत हराम की उड़ाने के लिए नहीं है, नहीं है। दौलत मेहनत से इकट्ठी की जाती है और तू इसे पानी की तरह बहा रहा है। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हमने कहा, पिताजी आखिर मैं आपका इकलौता वारिस हूँ, खर्चा करने का हक हमें है, हमें है। हम नहीं खर्चा करूंगा तो ये आपकी बेशुमार दौलत कौन करेगा? ये पड़े पड़े सड़ जाएगी बेकार। हाँ, उन्होंने कहा मैं एक पाई नहीं दूंगा। कब कहा कि हाँ? जो बंदूक आज हमारे हाथ में है तो ये कभी हमारे पिताजी के हाथ में होया करती थी। ओहो। हमने उठा लिया इसे दीवार से। ओहो। और मार दिया अपने पिताजी को गोली। गोली, पिताजी गिरे धराशायी हो गए। गोली की आवाज सुनकर मोतीलाल मेरी माता जी दौड़ी दौड़ी आई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अरे नालायक संतान, मैं जानती कि तू इतना कायर होगा तो मैं तुझे पैदा होने से पहले गर्भ में ही मार देती। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगी। चक्की पिसवाऊंगी? हमने कहा नहीं माता श्री, बेखौफ होकर के पिताजी के साथ जाइए, जाइए, जो हमारा काम है मैं वो करूंगा। मैंने एक गोली अपनी माँ को भी मार दिया। वाह। माता जी भी इस दुनिया से चल बसी। तमाम हो गया, रह गया एक कांटा, मेरी एक छोटी बहन। तब तो होकर हमने सोचा। क्या सोचा? कि अगर ये रहेगी हाँ तो लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। हाँ। इसके लिए बर ढूंढना पड़ेगा, बारात बुलाना, बैंड बाजा, शोरगुल हमें पसंद नहीं है भाई। तमाम खर्चा रही, इसीलिए मैंने क्या किया? काव के हाँ। मैंने कहा बहना, चलो हम तुम्हें माता वैष्णवी के दर्शन करा के लाते। फिर क्या, बहना हमारी तैयार हो गई और बोली, हमारे बिरन अच्छा हमको माता जी के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं, जाना है। उस हरामजादी को नहीं मालूम तो कि ये मदन सिंह हाँ उसे मौत के हवाले करने जा रहा है। जानते हो? हाँ बाबू साहब। बहना तैयार होकर आई और कार में बैठ गई। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी ले चलो, ले चलो। पहुंच गए हम माता वैष्णवी के दरबार। हमने कहा बहना, यहाँ क्या देखती हो, ऊपर चलो और वहां से नीचे का दृश्य कुछ और ही अच्छा दिखेगा। बहना हमारी चली गई, आगे आगे बहना और पीछे पीछे मैं। पहुंच गया पहाड़ी पर। पहाड़ी पर हमने कहा बहन देखो यहाँ से नीचे का वस्तु कितना छोटा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। हमारी बहना हाँ नीचे झांकने लगी और मैंने पीछे से मारा लगा। चली गई हरामखोर दुनिया से दूर, न रहा बास, ना बजे, ना बजेगी बांसुरी। अब हो गया एकदम अकेल। हो गया मैं अकेला। एक काम गलती की है यहाँ। क्यों, कौन सी गलती कर दिया? जवन अपनी बहन की मार डाया तो क्या करता बे? ओका नहीं गंगा कई सीट वाले फिल्म दे दे होता तो ना ठीक रहा है।
इसके बारे में पुनीत शर्मा ने भी कहा था हमसे। अच्छा अच्छा, केसरी भैया ने भी कहा था। हाँ, हमने कहा ये हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, हम भीड़ भड़क का पसंद नहीं करता हूँ। मैंने उनके बातों को ठुकरा दिया, बहनों को भेज दिया दुनिया से दूर। आज मैं इस रियासत का मालिक हूँ। कोई साला हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने माँ बाप बहन भाई का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। जानते हो, बुरा काम का बुरा नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जो इस खेल में फंस गया उसका उजड़ा घर देखो। ये रहा मदन सिंह का ऐलान, ऐलान जारी रहेगा, जारी रहेगा, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद होगा। वही दोनों भाई, अरे वही दोनों भाई रहे या बिगाड़ गए, मछरी चुन चुन खाई। ए नदी किनारे गौआ मरिगा, मछरी चुन चुन खायो, मछरी चुन चुन खायो भैया, मछरी चुन चुन खायो। ए मछरी चुन चुन खाई सतगुरु, मछरी चुन चुन खाई। ओए मछरी का हिंदू खायो। अच्छा, ए ओए मछरी का हिंदू चुन चुन खाई। ए मछरी चुन चुन खायो भैया, ए मछरी चुन चुन खाई, मछरी चुन चुन खाई। ओए मछरी का तुरका खायो। अच्छा, ओए मछरी का तुरका खायो, कहाँ रह गया बात तुरकुआई। जवन तू कहू है तो हमहू कहे है, क्या कहे हम, का कहू है हम, कहा जाए बेटवा, हर हर महादेव। और हम जाने माई कहत बा अरहर महादेव, नाही मादी दिया उनु जो धरिम देव। अरे बेटवा इस कहा जात है हर हर महादेव। अच्छा कम आई ये महादेव के हैं जेकर रात दिन तय माला जपत है। ए बेटवा, आए
एक कैलाश बता बसा हाँ। अच्छा कैलाशवासी यही भोलेनाथ। और हम जानते रहे कि हमारे मऊहरिया कौनो मुराइया नहीं बतावा तोहरे मऊहरिया के भोलक नहीं कहा। हम भगवान भोलेनाथ कहते। अच्छा अच्छा आप समझे। ए बेटवा काम आई। हम पहले भक्ति नही जो हमारे पुरखा गुजर गए बेटवा। हाँ माई हमारे पुरखा गुजर गए तो हमका कुछ न सुझान। हाँ। हम बड़ा नेक रास्ता अपना ले बेटवा। अच्छा भगवान भोलेनाथ के भक्ति हो गए। कहे के मतलब जब से सेठ गुजर गए तुराण हो गए है कौनो रास्ता ना है तो का दिखान तो सीधा जाए के भोलेनाथ की सनई में पहुंच गए। कौन सा नहीं रे काव कहू है भगवान के शरण में। हाँ शरण में पहुंच गए। जब से भगवान के शरण में पहुंच गए तब का हम आई। ए बेटवा। हाँ मावा बेटवा हमारे पुरखा गुजरे पहले। अच्छा हमारे दो लड़का रहे। दो लड़का दो बेटवा। हाँ हाँ पुतौ। अच्छा बड़का बेटवा के नाव। हाँ। बड़का बेटवा के नाव विजय। अच्छा और छोटका बेटवा के नाव अजय। अजय मोतीलाल बेटवा। हाँ माई हमारा छोटकवा बेटवा। हाँ जौने के नाव अजय बा। अच्छा पढ़ाई कर दे बनारस में। हाँ मावा अपने बड़का बेटवा के नाव। हाँ शादी करे। शादी करूँ चार बिया करे चार चार पतो लाए। चार पतो। हाँ कम आई घरा मत एक कैठी दिखाती ब्या। ए बटवाया। हाँ माई तीन पतों का। हाँ यह दुनिया तो दुनिया पहुँचा दी। अरे बाप रे। हाँ बटवा कौनी दुनिया मा भगवान किया। कैसे हे बटवा मोतीलाल काम आई जो पहली पतो लाए है। हाँ पहली पतो लाए है तो ओके बाप कहे रहा। का कहे रहा बैठाइन। हाँ ओका 10,000 नगद दे। नगद दे 10,000 नगद देव। और चैन देव। चैन देव अंगूठी देव। अंगूठी देव लेकिन ओके बाप दे झरकनाती। हाँ रुपया 10,000 दे दीस। अच्छा और सामान कुछ नहीं दी। नहीं दे सामान कुछ नहीं दी तो ओके बिटिया आए। हाँ ओके बिटिया आए 2 साल रही। अच्छा 2 साल रही तो हम कहे है दुल्हन तो कहे काम आई तो हम कहे बतो। हाँ बनाई डावा पूरी। पूरी दुल्हन बनवत रही पूरी छानत रही। अच्छा और पीछे मट्टी तेल डाल के मार दिन माची दुल्हन पर गई। देख लिया भैया हरे ये भोलेनाथ भगवान के भक्ति में यही एक कांड पहला कांड के है यहाँ ये आगे का हम आई। ए बटवा काम आई कुछ दिन बीता तो हिंदू सर बिया करे। अच्छा दूसर पतो लाए रे। हाँ दूसर पतो लाए तो ओके बाप। हाँ कहे रान सठाइन। हाँ तो क्या 50,000 नगद दे। 50 50,000 नगद दे। हाँ फ्रिज दे। अच्छा कूलर दे। तो आलमारी दे। हाँ अंगूठी दे। हाँ चैन दे। हाँ सोफा सेट दे। लेकिन ओ कई बाप दे झरकनाती कुछ सामान ना दिस। हे माया आपन बिटिया वैसे विदा कह दिस। कम आई मान ले कुछ न दे हो तो धरे उठाए के काठी अल्लाह मारी न दे होता है। कावा लार मारी रे उ जवन जवन कपड़ा आल मारी कह दी पुताऊ। हाँ हाँ आल मारी माही आल मारी जैसे ओ कई बाप दे झरकनाती दहेज नहीं दिस। तो दुल्हन आई। हाँ 2 साल रही तो 2 साल रही हम कहे दुल्हन। हाँ कहे माई। हाँ हम कहे बताओ। हाँ तैयार हो जाए चला मेला देखाई। मेला देखाई दुल्हन बार झारी लाली लगाई पाउडर लगाई और हाँ सिंगार कर ली। अच्छा तैयार हो गई तो दुल्हन के मेला लिया जात यही रास्ता में। हाँ तो परत रही नदी। नदी हम कहे दुल्हन तो नदी में देख तू। हाँ अरे पतो मगर मच्छ जात बा। हाँ भाई दुल्हन झाकी दुल्हन के जोन चहलान मारे दुल्हन बहराय परी। धन हो भक्तिन दूसरा कांड तुहारी हो गई है बेटवा। हाँ माई इनको दिन बीता। हाँ फिर तीसर बिया करे तो तीसरी पतो लाए ओमा का भा ओमा के बाप। हाँ
हारे रात अठाईन अच्छा तो का हम एक लाख नगद दे एक लाख नगद दे जितना सामान हो थे सब कुछ दे लेकिन ओके बाप पैसा तो दे दी सामान कुछ नहीं दी ओके बिटिया है मात्र एक दिन रही एक दिन ओके बिटिया यार मात्र एक दिन रही एक दिन रही और दुल्हन के लगा दिन फांसी अच्छा चुल्लम लटका दिन लगा दिन हल्ला गुहार हम कहे दुल्हन हमारा लगाता है दुल्हन हमार नहीं यार हम फांसी रहे क्यों सोचते मान फांसी लगाए के मर देखिया आपन जितना दोष है सब वही के ऊपर लगाए दे माई बड़ा नीक काम तू कई डायू ए बेटवा हाँ माई आपके जोन चौधरी बतवा आए बा अच्छा ओ कई बात दे झरक नाती मनोहरा हाँ ऊ दे झरक नाती कहिस काव कहिस तो ढाइन हाँ तो का एक डी स्कूटर दे अच्छा 50,000 रुपये लगा दे ओह चैन दे बगूटी दे बतावा लेकिन ओ कई बात दे झरक नाती हमारे दुबारे बुलाए कि इज्जत लाई ली रे बतावा ले भैया हरे तुहन बतावा दादा राण रेवा की जरसाला लेके कहा पाई ए माटी दिया उनुवा है का कहता रे तो हाई जतिया दुर्वा अरे उज्जत नहीं बतवा तो मान सम्मान समाज में घट गबा अच्छा की होला थुआ थुआ होला अरे राम ठाड़ कुछ पौबै नहीं भाई बेटवा ऐसे भी नहीं मतलब ये बेइज्जती भाई 5 रोज होई गबा अच्छा आज चलो सी मिला जाए आज आ चल चला माई आज जरूर मिला जाए आवाज उसी कुछ बातचीत करा जाए चल आए आओ चल हाँ आओ बतवा भैया नमस्ते 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 मोती और भैया ठीक ठाक बा हाँ और सब बढ़िया है अपना बताओ एकदम बढ़िया है माता जी आपके विषय में चर्चा करते रहे कि भैया बनारस में पढ़ रहे हैं उनका कोई हाल पता नहीं मिला है तो अच्छा हुआ आज आप आ गए हमको बहुत बड़ी खुशी हुई जी हाँ मोती मैं ये सोच रहा हूँ कि हम और आप आपस में बात कर रहे हैं हाँ लेकिन आए हुए भाई लोग को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है सही बात इसलिए मैं सोच रहा हूँ परिचय बता देना ज्यादा अच्छी बात है अच्छी बात है भैया हाँ तो साथियों आप लोग मेरा परिचय लीजिए मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है साथियों मैं जिला सहारनपुर ग्राम दौलतपुर का रहने वाला हूँ मेरा नाम अजय है मेरी माँ का नाम चमेला भक्तिन है मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम विजय है साथियों मैं बनारस में रहकर LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे भैया और मेरी माँ की दिली इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा सा वकील बनूं और समाज की सेवा करूं। सेवा करूं। इसलिए मैं बनारस में रहकर बहुत ही दिल लगाकर बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है भैया आप अगर दिल लगा के पढ़ाई करेंगे तो भैया और माता जी का मनोकामना भी पूरी हो जाएगी हाँ मोती मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली मैंने सोचा चल के भैया से मुलाकात करूंगा और माँ जी से मुलाकात करूंगा उसके बाद फिर कॉलेज जाऊंगा हाँ भैया और अच्छा बंधन का त्योहार हो आ गया है और कम से कम त्योहार भी जाए तो आप जी हाँ मोती यही सोच कर चला रहा हूँ चलते चलते कुछ कहते थे नहीं हाँ भैया ताकि समय भी कट जाए रास्ता भी कट जाए और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए बड़ी अच्छी बात है और बिगड़ा समय काल बिगड़ा समय काल नेपाल की भाई बर्बादी आबादी गम की धार में बही क
चुप बड़ेरी बोला पापी बड़ेरी बोला भैया पापी बड़ेरी बोला अरे पुतरी पलट गई कुदरत की आँख तीसरी खोला तांडव किया काल चल गई विपद की आंधी आबादी गम की धारा में बही जमी का मौत ने चादर तानी तीन दो पहर में फंदा फैलाया फौलादी आबादी गम की धारा में बही धारा में बही तीन दोपहर में फंदा फैलाया फौलादी आबादी गम की धारा में बही मोती भैया आओ घर चलते हैं चल के भैया से मुलाकात करेंगे उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे चलिए भैया चलो चलो